नमस्कार मु सुदर्शन मिश्रा पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करुच्छी एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम रे एक सुंदर अमूल्य कहानी माध्यम रे ये वीडियो टुक समस्त सुनिबे पूर्ण रूपे बुझिबे ए वीडियो रे आमे किछि अमूल्य शिक्षा जानिबा सदा सर्वदा मन रखिबे जीवन रा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होउछि शिक्षा जदि आम पाखरे शिक्षा अछि आम जीवन एमिति बदलिबो जाहाक आमे जीवन स्वप्नर मध्ये भावि नथिबा ए कहानी रे मध्ये ए जिनिस जानिबा शिक्षार महत्व कोन बुद्धिर महत्व कौन ता सहित जानिबा राजकुमारी रो चारोटी प्रश्न राजकुमारी कौन चारोटी प्रश्न पचारुची से चारोटी प्रश्न रो मूल्य मध्ये आमे जानिबा दरकार आमे जरे से जिनिस जानिबा आमे निजे मध्ये अनुभव करिबा रे प्रकृत रे प्रश्न गुडी बहुत गुरुत्वपूर्ण राजकुमारी कौन चारोटी प्रश्न पचारुची प्रथमटी को चढ़ाई रो डेणा नाही द्वितीयटी को मृत्यु रे मनुष्य मरे ना तृतीयटी को नदी कूल नहीं चतुर्थटी को जिनस को नदी समुद्र मिलित हिसाब से नष्ट पारती ना डुबई पारती ना के गुरुत्वपूर्ण चारोटी प्रश्न टी भाव था ये सुंदर कहानी मध्यम अमूल्य शिक्षा मध्यम जाना सब जिन आसतु सुंदर कहानी टे कौ ये कहानी मध्यम आम सब जिन बुझा जाणवा कौन ये कहानी कौच ए कहानी प्रारंभ कला पूर्व मो विषय में कही रखुच्छी मुझ सुदर्शन मिश्र जन मोटिवेशनल स्पीकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर बिजनेस एवं एजुकेशनल कोच जन प्रकृत आध्यात्म गुरु एवं जन काउनसिलर शिक्षा बहुत जरूरी जीवन में से ये सुंदर सुंदर शिक्षा आप बाहर पहुँचा जा प्रत्येक क्षेत्र केवल जोड़ी ही रुंतु जीवन को पूर्ण सफल करतु सफल नुह पूर्ण सफल आमको जीवन पूर्ण सफलता दरकार सुख दरकार शांति दरकार अर्थ दरकार पारिवारिक सामाजिक से सब जिन दरकार तो आध्यात्म शिक्षा दरकार अन्यथा आम पूर्ण सफलता प्राप्त करें आम जीवन दरकार पूर्ण सफलता आसतु ये कहानी आम कौन शिखौ जाना कौन सा अंचल जन रजा थे रजाकर सब जिनसा कि गोटे असुविधा था कौन से पुत्र कन्या ना रजा सदा सर्वदा दुखित रोते जिते शरीर बार्धक्य हम ए जो सुंदर राज्यटी अच्छे किए संभाल मन मध्य प्रश्न आसता है बहुत प्रकार उपाय कले ईश्वर सेवा कले ध्यान ज्ञान आराधना सब जिनस भक्ति समर्पण सब जिनस कले सभा वृद्ध काल गोटे पुत्र जात होगा राजा बहुत खुशी है जहाँ भी हो वृद्ध काल गोटे पित्र जात हो पाटे तो आसीचे राजा खुशी सीमा रहा ना राजा कहे मो प्रजावासी को मो जहाँ चाहिए ता देवी मुझे समस्त को किसी ना कि उपहार देवी मंत्री को डाकिले बुद्धिमान लोक डाकिले बसिले आलोचना है किंतु मन मध्य प्रश्न आसला मुझे चाहूँ मो प्रजा मैंने बहुत खुशी हूँ किंतु एक संभव गोटी गोटी प्रजा को डाक कार कौन पसंद कार कौन भलमंद सी जो जिनस कह सांगे सांगे बराद कर तुरंत जोगाड़ कर दबा तो संभव नुह कौन करवा कितु मो रजा मैंने खुशी रे जा सभा सचिव कौन कराला ना गोटे मेलार आयोजन कराला से मेलार कौन कराला ना सब प्रकार जिनस आम रखा जो व्यक्ति जहाँ इच्छा हे सी आसब स्पर्श कर धरव यही पसंद नहीं कि समस्त ये राजी है कारण से आमको पसंद नापसंद पचार ना प्रत्येक जिनस रखा खाद्य पानी वस्त्र गहना सब रखा जार जहाँ दरकार थी सी आसब धरव जीव कि सर्त गोटे थर गोटे लोक गोटे जिनस नब ठीक अच्छे ये जिनस आयोजन कराला विराट गोटे मेला कराला ग्रामवासी सहरवासी समस्त कही दिगला तुम जहाँ इच्छा अच्छे स्पर्श कर धरव जीव जोटा इच्छा कितना गोटे नब राज्यवासी मैंने खुशी हेले जार जहाँ निहाती दरकार से मिलजीव मेला आयोजन है राजा सिंहासन बसाला राजा बसिले मंत्रीगण बसिले समस्ते ज्ञानी लोक मैंने बसिले मेला लगी था लोक आसुता जाऊता धन्यवाद दौता पिला को आशीर्वाद दौता जहाँ जहाँ आवश्यक जिनस सब जिन नहीं जाऊता सभा शेष आसला जड़े युवक ज्ञानी युवक गुरु आशीर्वाद रही गुरु ज्ञान में सदा सर्वदा परिचालित बुद्धि अच्छे आसला पूरा मेलाटा को बुलला सब जिनस को टेक्निक कर देखला देखला बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छे सभा शेष ठीक कला ये मेलाटा को पूरा नहीं हुआ था कि राजा तो सर्त रखिंट गोटे थर में गोटे जिनस नब बोली ने भी केमी से बुद्धि आसला बुद्धि कौटू आसे शिक्षा रु शिक्षा कौ शिक्षा प्रकृत शिक्षा प्रकृत शिक्षा एमती शिक्षा जहाँ आमको सब दिगर सफल करुव खाली गोटे दिगर नुह
तुरंत बुद्धि आसला कौन अरदा पाख जा चलीगला राजा सिंहासन ने बस समस्त कहले आज्ञा मत टे अनुमति देवे कि मुझ राजन को देखा करी पिला को आशीर्वाद देवी समस्त कहले अरे बाबू तुम तो किसी नहीं कहले आज्ञा नहीं कि राजा को देखा करी राजा पाखे जाए पहुँची गला राजा उच्च सिंहासन ने बस युवक जन कौन कला ना गला पिला को आशीर्वाद कला राजा को स्पर्श करदेला राजा कहला अरे बाबू ये कौन कर आज्ञा मुझे आपण को स्पर्श कली आपण मोर पसंद समस्ते अबाक अरे ये कौन कौच युवक तुम कौन कौच युवक जन से कौच आज्ञा आप सर्त रखी गोटे थर में गोटे जिनस नहीं पार आ जहाँ को स्पर्श कर से जिनस को नब जोटा तुम मन को पाइब मोर मन को पाइले राजा ये गुणी राजा मोर पसंद मुझे आंकु नापी चाहूँ अर्थात आंक सहित जोड़ा चाहूँ शिक्षा देखु केमी बुद्धि खोलीगला जन दरिद्र युवक जीवन केमी पर शिक्षा केवल शिक्षा हजार हजार लोक आसते कम मुंडुकार आसते कि ये युवक मुंडुक आसीगला राजा बहुत खुशी हेले कहे अरे ये भाई विचक्षण युवक तो मो पाखे रही दरकार राजा ये भाविले एवं वृद्ध काल छोट पाटे के बड़ हम कौन हम बयस तो कमी आईला ये युवकटा जब पाखे रखती ये युवकटा को प्रशिक्षण दिखती ये जब मत राज्य करता मोर गोटे पुआ भाई रहा कौन असुविधा अच्छे पुणी ए पिलाटा जो बड़ हम सी तो रजा हम ये तो सेत अधा बस जीवनी समस्त को निष्पत्ति ने समस्त तो कथबार्ता कले युवक टी नहीं गले कहे बाबा ठीक अच्छे मुझु तुम मुम आज पिता सामान युवक खुशी राजा भी खुशी विचक्षण युवक सदा सर्वदा मन कर रखे किए नेता किए हवा दरकार आगर किए रहा दरकार रजा किए हवा दरकार जहाँ होश अच्छे जहाँ ज्ञान अच्छे जहाँ प्रकृत ज्ञान अच्छे रजा कहले यादि आम नौ आमर गोटे देशर गोटे नेता हिसाब से आम जदि आम गोटे राजा गोटे बड़ अंश हिसाब से आम मनोनयन कर बहुत बड़ कल्याण कर विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण दे इतिमध्ये गोटे खबर आसला ये भल सुंदर हिसाब से राजा पुत्र भाई राजकार्य कर सब गोटे खबर आसला कौन पाख अंचल जन राजकन्या अच्छे अत्यंत सुंदरी आ ज्ञान भी अच्छे जो सुंदरता जो ज्ञान आसे से गोटे भूल हुए मनुष्य द्वारा से भूल टी हूँ जदि आम भल भाव न बुझे भल भाव आम आयत न कले से ज्ञान से सुंदरता अहंकार सृष्टि करें बहुत क्षेत्र में जिनस हुए तेणु से कौन कह जाए ना ज्ञान आसबले आपणकर सफलता आसले से बेसी होश रे बेसी नम्र हे बेसी धीर हे अहंकार मुक्त जीवन काटे सुंदर झीटर गोटे प्रश्न रही गोटे सर्त रही मत जी बहुत कर मोर चारोटी प्रश्न उत्तर दब आउ ये सुंदर एत ज्ञानी ता लोभरे विभिन्न प्रकार युवक मैंने आसती समस्त युवक को से चारोटी प्रश्न कै कौन ना कौ चढ़ईर डेणा ना मनीष कौ मृत्यु मनीष को मारे कौ नदी कूल ना नदी जल समुद्र जल मिस क्या नष्ट कहीपारती कई गोटे दिटा कहती अंगा भूल कहती आ जो मैंने भूल कहते समस्त को नहीं जेल में रखा जाए शह शह राजकुमार शह शह सक्षम युवक मैंने जेल में रही ये कथ आज पहुँचला ये जो युवक पाखे राजा जो पालित पुत्र को लेकिन आसा राजा दिन अनुरोध कले कले अरे बाबा तुम तो बहुत विचक्षण बहुत ज्ञानी तुम्हें ये जिनस को कौन समाधान करपारती केते युवक मैंने से रही बंदी काटुचान झीटी बहुत घमंडी झीटर किसी ज्ञान अच्छे सुंदरता अच्छी तरह बहुत अहंकार अच्छे कौन आम समाप्त करपारती थोड़े चेष्टा कर युवक जन तई पर दिन बाहरी गले जाए राजकुमारी पाखे पहुंचे राजकुमारी आज देखिए आसला अरे शह शह अच्छा ये आउ जे आसला जोड़ी हाँपी हाउ ठीक अच्छे जो देखाला कह तुम तो जन सुंदर पुरुष भाई लगुच तुम तो जो राजकुमार भाई लगुच कहीं जीवन नष्ट कर फेरी जाओ से युवक जन कहते ना मु फेरियापाई आसनी आउ कौन उद्देश्य नहीं आसी तुम प्रश्न जहाँ अच्छे तुम मत पचारिपार मु तुमको बहुत करने आस राजकुमारी हसिला सब सभा आयोजन कराला सभा मध्य राजकुमारी पुनर्बार चारोटी प्रश्न कला प्रथम प्रश्न कौ चढ़ईर डेणा ना युवक जन से कहते
राजकुमारी मो गोटे साधारण परिवार रो युवक गुरु का आशीर्वाद रे ईश्वर का आशीर्वाद रे ज्ञान रो प्रभाव रे आज जो राजकुमार होइ छ तमे जदि भाबु छ जे तमरो ज्ञान रो अहंकार रे जे समस्त छोट बोली तमे बहुत बड़ भूल कर छ मनुष्य या करे जे तो सफलता आ जाए ज्ञान आ जाए से छोट भाबे लोकन को केबे भी भूल ले काम करिवे ने आ सदा सर्वदा मन रख ए जो जिनिस तमे करू छ ना दिने तमरो अंत अछि तुम का पई अनुताप करियो पड़ियो तो राजकुमार कह सब जिन छाड़ प्रश्न उत्तर दियो कार कौ चढ़ईर डेणा ना कि चढ़ई बड़ी उड़े युवक जन छात्र कहते आत्मा आत्मा चढ़ई बड़ी उड़ी जाए कि तार डेणा ना प्रत्येक शरीर मध्य जो आत्मशक्ति अच्छी जो ईश्वरीय शक्ति अच्छी से चढ़ई सदृश से सदा सर्वदा उड़ी बुल बाहर भितरे जो मैंने आत्मज्ञान को अनुभव करमती एक शक्ति से कौन जगह स्थिर नुह आप शरीर भितर अच्छे शरीर बाहर मध्य अच्छे सारा ब्रह्मांड सारा विश्व से खेल रही से चढ़ई पड़ी सब आड़े सदा सर्वदा उड़े सदा सर्वदा कौन विद्यमान सदा सर्वदा जो नहीं सटी से विद्यमान जो ना सटी से जापे कि डेणा ना राजकुमारी आश्चर्य प्रथम युवक प्रथम व्यक्ति जे कि कहला ठीक उत्तर चढ़ई भली उड़े डेणा ना द्वितीयटी कहला ठीक अच्छे कौ मृत्युर मनुष्य मरेनि युवा जन कह साधारण प्रश्न निद्रा प्रत्येक दिन तुम्हें भी जाऊ भी जाऊँ निद्रा आम कौन होश रोचे मृत्यु सहित सवान शरीर सेमती पड़ की रोचे तई पर दिन पुनर्वार ईश्वर का आशीर्वाद उठुची हसुचे खेलुची कर्म करुची सेवा करुची मजा नौचे आनंद बचुचे प्रत्येक दिन निद्रा आत्येक दिन मृत्यु आसु मनुष्य मरुनि चीर निद्रा से नुह राजकुमार मन धीरे धीरे दुर्बल है अरे ये प्रथम युवक जे कि द्वितीय प्रश्न भी ठीक कहला कहला तृतीय प्रश्न कहला पचार कौ नदीर कूल ना कहला आप एमती अवस्था आसब तुम्हें निजे जापर कौ नदीर कूल ना राजकुमार कहले कौन कहला तुम से अवस्था हम कि समय पर समस्त आश्चर्य अरे युवक कौन कौच राजकुमार से अवस्था हम राजकुमार से कौच युवक से कौच लुह आखिर जो दुख हुए कष्ट हुए झरझर है जो बन्या हुए जो जल बाहर तार कौन कूल ना अथल कूल से बही चले कूल देवाई कहीं नए आमें जिते शेष अनुताप कर सुंदर रूप आ्ञानपी मुझे अहंकार करते आखिरी लुह जर से तुम जान नदी केमी भय आ नदी कौट कूल ना बोली केवल बहुत निजे पछुत राजकुमारी धीरे धीरे नम्र हला सभार जिते लोक थे समस्ते तटस्थ होता आश्चर्य होता अरे ये कि ज्ञानी युवक चतुर्थटी कौन कौ जिनस को नदी समुद्र मध्य बुड़े पारती ना से बड़े युवक जनक कौच ये जिनस तुम्हें भी भल भाव जान मु भी भल भाव जाने तुम्हें भी भल भाव आपको अनुभव करते मु भी भल भाव अनुभव कर जिनस हूँ मनुष्यर सुकर्म मनुष्यर कुकर्म तुम्हें आज पर्यटन जिते कुकर्म कर अहंकार बस तरह लोक मान को कष्ट दौ सदा सर्वदा मन रख ये चिरदिन जा बजाय रही आपको ना जल नष्ट कर दे पार ना समुद्र ना नदी आपको डुबे दे पार आज सुकर्म ईश्वर का आशीर्वाद द्वारा ये शरीर मध्यम रही जो निम्न अवस्था आस आज राज परिवार रे राजा पुह चलुची आज जब ईश्वर कल्याण हुए आज शह शह युवक हजार हजार युवक जो मैंने बंदी होती मुक्त हो जाए ये कथा वर्ष वर्ष काल रुनाम को कौन जल कौन समुद्र कौन नदी डुबे दे पार सदा सर्वदा मन रखे आपणकर सुकर्म आपणकर कुकर्म ये सब जिनस को कहीं नष्ट कर ना ना नदी जल ना समुद्र जल से सदा सर्वदा रन लोकंर मन मस्तिष्क लोकंर मानस पटर सदा सर्वदा विद्यमान ही र तेणु तुम कौन करो तुम तर भाव कि तुम निजे चिंता करवल पुराए ज्ञान जान से ज्ञान बल लोक हईराण कर बंदी रखिच तुम भाभी तुम जो प्रश्न पचार प्रश्नर स्वर तुम प्रथम विद्ध हो तुम कुकर्म जीवन सारा कौ समुद्र कौन सी जल आपको डुबे पार ना जिते बड़े जाए लोक मन रखि से तुमको धुत्कार करुवे एमती गोटे सुंदरी कन्या था तार अहंकार जो कत लोक से हईराण कर राजकुमारी सहित नतमस्तक हो आखिर टप टप कर लुह जारी पड़ुच
ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭାଜନକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତୁରନ୍ତ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଖୋଲି ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀର କୌଣସି କୂଳ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟେ ମିଳିଛି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ସେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ମିଳିଛି, ତମର ଆଦର ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ତମେ ଆଦର କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚିର ନୁହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର ବଶତ ତମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୁବ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ, କ୍ଷମା ମାଗ। ଯୁବକଟିର ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କଲେ, ତହିଁପରେ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା, ରାଜକୁମାରଟି ନତମସ୍ତକ ହେଲା, ଶପଥ କଲା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଜୀବନ ସାରା ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ସେତେବେଳେ ହୋସ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ମଣିଷ ସେତେ ସ୍ତର ତା'ର ନମ୍ରତା, ତା'ର ଭଦ୍ରାମୀ, ତା'ର ଶବ୍ଦଚାଳନା, ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରଳ ହେବା ଦରକାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରଳ ହେବା ଦରକାର, ନା କି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସିଂହ ଭଳି ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରୁଥିବ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସିଂହ ଭଳି ଶରୀରର ବଳ ଥାଇ, ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଥାଇ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ରହୁଥିବ, ସଦାସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ରହୁଥିବ, ସଦାସର୍ବଦା କହୁଥିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ, ଗୁରୁ କୃପାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ଅଧପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଘର ବସେଇବା ପାଇଁ, ଏ ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରକୁ ଯେ ଏ ଝିଅକୁ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ରାଜକୁମାର ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ଧରି ବାପା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବାପା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡକା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜିବାଦ ଦିଆହେଉଛି, କୁହାହେଉଛି ଦେଖ ବାବା ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଆଜି ରାଜା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜୀବନ କାଟିଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ପଡ଼ୋଶୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣବନ୍ତ କନ୍ୟାକୁ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତମେମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତମ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବୁଝିବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଚୁକେ, ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଆ, ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରାଜକୁମାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଛାପି ରଖିବେ, ବୁଝିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।